कांग्रेस जिंदाबाद, काम करो जिंदाबाद। जिस तरीके से मिशनरी स्कूलों द्वारा जो फीस बढ़ाई गई है पिछले सत्र की उपेक्षा, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने आज जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ज्ञापन दिया कि किस तरीके से ये जो मिशनरी स्कूल है इनकी मनमानी चल रही है। हर साल इनके द्वारा जो फीस बढ़ाई जा रही है, इससे जो अभिभावक है उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो रही है, वो असमर्थ हो रहे हैं फीस जमा कराने को लेकर। और हमने आज जिला शिक्षा अधिकारी को इस चीज़ से अवगत कराया कि ये किस तरह जो मिशनरी स्कूल है, ये जो राज्य सरकार का फीस एक्ट है उसको नहीं मानते। उनके द्वारा जो फीस बढ़ोतरी को लेकर जो कमेटी गठित की गई है, उनको नियमों को ताक में रखते हुए ये अपनी पूरी मनमर्जी करते हैं और अपनी फीस बढ़ाइए, इसी को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है। मुलाकात हुई आपकी, तो क्या कहा उनके कार्यालय में? हमने दिया ज्ञापन, उनसे बात हुई, उनके द्वारा किए बताया गया कि इनके खिलाफ जो मनमर्जी चल रही है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियाज खान, NSUI। अजमेर NSUI के और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक मुहिम चला रखी है, जिसके अंदर जितने भी मिशनरीज और प्राइवेट स्कूल्स हैं वो हर साल फीस की वृद्धि करते हैं, जबकि स्टेट गवर्नमेंट एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, इनकी किसी भी तरह से ये पालना नहीं करते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के अभी DO साहब को ज्ञापन दिया है और ताकि वो फीस बढ़ा रहे हैं उसको वापस लिया जाए। ये फीस हर साल बढ़ाने से अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ जाता है। अब आप देखिए, एक ही स्कूल के अंदर चार चार ड्रेस कोड है, तो वो बच्चों को पढ़ाना है। हम नहीं कहते कि उनको एकेडमिक और दूसरे ज्ञान ना हो, लेकिन ड्रेस एक दो बहुत होती है, चार चार ड्रेसें चला रहे हैं, खुद के स्कूल के अंदर खुद के ये जो बुक हाउस है वो बना रखे हैं, तो इन सब चीज़ों की घटनाओं के ऊपर रोक लगे, इसको लेकर के हमने DO साहब को आज ज्ञापन दिया।